हेलो गाइस, टुडे वी आर बैक विद अवर न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट्स, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने 12th अक्टूबर का एग्ज़ाम फील कर लिया है, गाइस बहुत से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इस पर प्लीज़ एक प्रडिक्शन वीडियो बना दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स इस पर चैनल पर गाइस ज़्यादातर प्रडिक्शन वीडियो होती हैं, वो गाइस 100% ट्रू हो जाती हैं। आप चाहे कोई भी चैनल कर सकते हैं, अगर 100% ट्रू हो जाएगी, बट जो टॉपिक आता है गाइस उसमें नियरली गाइस उसमें जो मैं ये बताता हूँ उसी के ही आइडियाज़ सेम होते हैं गाइस। ओके, या पिछली बार मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट रिलेटेड आ सकता है, तो गाइस टॉपिक आया था कि 14 सितंबर की बात करूँ मैं, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड था कि जो टूरिस्ट हैं वो मतलब टूरिस्ट जो विजिट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, वो अपने इंडिया में लाइक ज़्यादा हो चुका है, तो इसके फ़ायदे हैं या नुकसान है। तो गाइस फ़ायदे भी और नुकसान की बात करें तो नुकसान सीधा इन्वायरमेंट पर ही जाते हैं। ओके गाइस, तो ऐसे ही मैं आपके लिए प्रोडक्शन वीडियो लेकर आऊँगा। बहुत सी प्रोडक्शन वीडियो ऐसी नहीं कर 100% ट्रू जाएगी, बट आपने गाइस इस वीडियो को पूरा देख लिया तो गाइस मैं गारंटी देता हूँ कि आपने 10 मिनट की वीडियो होगी नियरली गाइस, अगर आपने 10 मिनट इस वीडियो को दे दिए गाइस तो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी बुरा नहीं जाने वाला, आप अच्छा स्कोर गेन लेकर ही जाओगे गाइस। मेरे से लिखवा लो ये बात गाइस। ओके, तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस लिसनिंग की। तो गाइस जब भी एकेडमिक हो जनरल ट्रेनिंग वालों का एग्ज़ाम इकट्ठा होता है ना, तो ये बात लिख लो अगर कॉपी पेंसिल है तो, गाइस लिसनिंग गाइस हमेशा ही इजी आती है, बहुत ही इजी। बट इसमें गाइस अगर कंसंट्रेशन की बात करें कि ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी जरूरत है, तो गाइस लिसनिंग थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत फास्ट हो जाती है, बट गाइस थोड़ी सी लिसनिंग जो है ना वो फास्ट हो जाती है। तो गाइस आपको ज़्यादा क्या करना है, एग्ज़ाम में जाने से पहले 2-3 दिन या लास्ट के गाइस आखिर के आपको 2 दिन में ऐसा करना है लिसनिंग की अच्छे से तैयारी करनी है गाइस, क्योंकि इंस्टीट्यूट में गाइस आप फ्रेंड्स के साथ होते हो तो गाइस लिसनिंग हो ही नहीं पाती। मैं हमने भी ऐड्स किया, हमको भी पता है गाइस कैसे होता है लिसनिंग ढंग से हो ही नहीं पाती है गाइस, कभी किसी ने कुछ मांग लिया कभी कुछ ऐसा होता रहता है। आप ऐसे कीजिए 2-3 दिन अच्छे से लिसनिंग कीजिए अपने मोबाइल से। ओके गाइस, तो लाइक बात करें सेक्शन फर्स्ट की, लिसनिंग जब एकेडमिक और जीटी का एग्जाम इकट्ठा आता है तो गाइस सिंपली से क्या होता है लिसनिंग में सेक्शन फर्स्ट होता है गाइस इंट्रोड एमसीक्यू होते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं पर थोड़े फास्ट होते हैं गाइस, अगर पूरे कंसंट्रेशन से इनको करोगे ना आपके 10 में से 10 सही आएंगे। स्पेलिंग्स मिस्टेक ही कह सकता हूँ, और अपन नंबर जो काउंट होते हैं 7-9 मोबाइल नंबर बताते हैं तो उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा फर्स्ट पार्ट होता है इंट्रो में गैस, उसमें ज़्यादातर यही बात होती है कि आपको ऐसे नंबर ही दिए जाते हैं गैस, जैसे कि 16 का 60 लगा दिया, इसमें ज़्यादा बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो इसके लिए अच्छे से कॉन्सेंट्रेशन से एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में इसकी मिस्टेक ना हो गैस, क्योंकि मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं बट कई बार ऐसा ही होता है कि 16 की जगह 60 लिखते हैं, 15 की जगह 50 ऐसे होता है गैस। ओके, इसका थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कीजिएगा और एमसीक्यू भी तैयारी कीजिएगा, बट ओवरऑल गाइस बिल्कुल ईजी होता है। सेक्शन टू की बात करें तो ये भी तो मैं कहता हूँ गाइस आपको कहते हैं थोड़ा मोटेड हो जाता है, बट ये सेक्शन फर्स्ट से भी ईजी होता है। आप थोड़ा मोटेड थोड़ा टेंशन में रहते हैं क्या देखे फिलिंग्स से ब्लैंक्स देखे कि कई बार ये 2 वर्ल्ड और 1 वर्ल्ड में आते हैं गाइस, बिल्कुल ईजी होता है। जैसे कि स्पीकिंग में इंट्रो पार्ट होता है ना गाइस, वैसे एक क्वेश्चन होता है इसमें बिल्कुल सिंपल टॉक करते हैं गाइस से, बहुत ईजी होते हैं, आप ईजिली कर सकते हो, लिस्ट ऑफ पीपल दे देंगे, लिस्ट ऑफ हेडिंग दे देंगे, आपको सिर्फ उनके जो बातें बताते हैं उनको ध्यान रखना है, किसने कौन सा सब्जेक्ट लिया, किसने क्या किया, नाम दे देंगे, बहुत ईजी होता है गाइस। सेक्शन टू भी बिल्कुल वरी करने जरूरत नहीं है, और अब मैंने 12th अक्टूबर का एग्जाम फिल किया तो गाइस बिल्कुल डोंट वरी हो जाइए, चक दे फटे ऐसा काम कर देना, बहुत ही ईजी एग्जाम आने वाला है। ओके गाइस, और वीडियो गाइस अच्छी लग रही हो तो गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है गाइस आपको वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। ओके गाइस, तो एक लाइक ऐसे हमें कोई पैसे नहीं मिलता, कैसे आप सोचा लाइक के पैसे मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता, यूट्यूब पर दे सकते हैं, बट अगर लाइक करने से ऐसा होता है कि हम भी मोटिवेट हो जाते हैं गाइस अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, कि बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लाइक भी करते हैं। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें गाइस मैंने 400 लाइक्स का टारगेट किया था, आपने 600 दिए, और एक वीडियो बनाई थी मैंने सिर्फ 200 का टारगेट किया लाइक्स का, आपने 800 दिए, इसलिए मैं भी मोटिवेट आता हूँ वीडियो बनाने के लिए गाइस। इस वीडियो का टारगेट है गाइस नियरली 250 इतने लाइक्स मांग रहा हूँ, ज़्यादा बिल्कुल नहीं मांग रहा हूँ। ओके गाइस, तो बात करते हैं गाइस सेक्शन 3rd और 4 की। तो गाइस ये थोड़े से मोटेड होते हैं, बट गाइस अगर सेक्शन 1 और 2 अच्छे से किए हैं ना, इसमें आपके 18 नंबर आ गए नहीं है गाइस, आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, 20 में से 18 है, बहुत ईजी सेक्शन होते हैं। और गाइस इनमें सर थोड़ा सा कॉन्सेंट रेकर लगाई गाइस, 20 में से गाइस 7 से 8 नंबर ले रही है ना, 6.5 है आपके गाइस, तो भी आराम से बन रहे हैं, बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है लिसनिंग में। कुछ बच्चों क्या होता है कि 5.5 रह जाते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आपके अच्छे से नंबर आएंगे गाइस। ओके, तो
इसमें क्वेश्चन ज़्यादा किस टाइप के होते हैं, डिस्कशन पार्ट होगा आपके, स्पीकिंग क्या होगा, वैसा कुछ पार्ट होता है कि कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं बस आपको, उन्हीं के कि जो कम्युनिकेशन करते हैं उन्हीं में सुनकर आपको आंसर फील करना होता है, ज़्यादा फीलिंग्स सब ब्लैक दे देते हैं गैस टाइप को, अदर टाइप क्वेश्चन देते हैं, बट होते ईजी हैं आपको, नहीं मैं गैस उसके आंसर देने होते हैं। चलिए बात करते हैं गैस सब रीडिंग की। तो गाइस सबसे पहले रीडिंग की बता दूँ, मैं टिप्स बता चुका हूँ क्योंकि मैं पहले हर बार वीडियो बनाता था उसमें टिप्स बताया करता था, बट मैंने गाइस एक अलग से वीडियो बना दी उस पर 10 मिनट की। गाइस इतनी बढ़िया वीडियो है गाइस, अगर सिर्फ एग्जाम में टिप्स फॉलो करनी है, एग्जाम में टिप्स फॉलो करने वाले गाइस, आपको गाइस उस वीडियो से इतनी हेल्प मिलेगी, आप पूरे मोटिवेट हो जाओगे रीडिंग करने के लिए, आपको पूरे मैथ में टेंशन फ्री हो जाओगे कि रीडिंग कैसे करेंगे क्या नहीं करेंगे। जो फर्स्ट टाइम एग्जाम फिल कर रहे हैं, इन्होंने पहली बार बहुत बार एग्जाम दिए हैं बट नंबर नहीं आ रहे गाइस, ओके बैंड अच्छे स्कोर नहीं आ रहा है, उनके लिए गाइस बहुत ही बढ़िया वीडियो है, बहुत ही अच्छे टिप्स बताए मैंने एग्जाम में कैसे एग्जाम में करना चाहिए। तो आप मेरे वहाँ पर जाकर उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा अगर आपको अच्छा वीडियो चाहिए, बट आप पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो गाइस ये तो मैंने चीज़ें बताई रखी हैं कि 40 में 13 और जो फर्स्ट सेकंड पास होते हैं वो ईजी होते हैं, थर्ड कई बार थर्ड पैसेज हार्ड होता है, कई बार सेकंड पैसेज हार्ड होता है, तो ये चीज़ मैंने उस पर भी बता रखी है गाइस, प्रिपरेशन वीडियो वो भी देख सकते हैं आप। बट गाइस ज़्यादा जो जरूरी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि रीडिंग के बारे में, तो गाइस रीडिंग में जो ज़्यादा चीज़ आपको बताने वाले वो कॉन्सेंट्रेशन गाइस, आपको पता है क्या करना होता है गाइस, पिछली बार बहुत से एग्जाम हुए जो यहाँ पर मैं आपको कराता हूँ, दिखाई देख लीजिए इसे कि पहले गाइस एग्ज़ाम आते थे ऐसे, बहुत से बच्चों ने मेरे छोटे से एग्ज़ाम दिया है, वो कह रहे हैं सर हमें पहले जो आते थे ना एग्ज़ाम रीडिंग में उन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे आंसर होते थे गाइस उनके, बिल्कुल ही ईजी आंसर होते थे, देख सकते हैं आप यहाँ पर भी बिल्कुल ईजी बताता हूँ गाइस मैं आपको कैसे से बिल्कुल ईजी आंसर होते थे। फिर गाइस जो अब जो रीडिंग आ रही है गाइस उसमें पता है क्या है, सिंपली से अब जो रीडिंग आ रही है ना गाइस उसमें है गाइस फर्स्ट 6 2 5 ऐसे क्वेश्चन, मतलब डिफरेंट डिफरेंट गाइस क्यू में आ रहे हैं, जैसे पहले क्यू में आते थे सिंपल बट अब गाइस डिफरेंट आ रहे हैं, तो कुछ बच्चे इसी में गाइस बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, ओके तो आपको ये चीज़ एग्ज़ाम में जरूर गाइस स्कोर करना है कि रीडिंग में जो है हमें कैसे आंसर ढूंढने हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसी पर ही कॉन्सेंट्रेशन करते हैं जो तो फर्स्ट सेकेंड थ्री और फोर वाला पार्ट है, बट गाइस ऐसा हमेशा सही नहीं होता, कई बार रीडिंग इस तरीके से भी आ जाते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत से वरी हो जाते हैं एग्ज़ाम में कि क्या आ रहा है क्या कुछ मिल नहीं रहा, तो गाइस आप इस चीज़ का भी अच्छे से ध्यान रख रहे हैं गाइस, ओके कि एग्ज़ाम में कैसी रीडिंग आ रही है कैसे नहीं। भाई गाइस ओवरऑल बात करूँ मैं ओवरऑल आपके बारे में, तो गाइस मैं एक वीडियो उस पर पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और उसका गाइस क्यू में भी दे दूँगा, आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और ऊपर आई बटन होगा वहाँ पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो वहाँ पर भी मिल जाएगी, ओके गाइस। तो वीडियो के बारे में अच्छे देख लेना गाइस, फिर कह रहा हूँ गाइस 10 मिनट से आपका बिल्कुल कुछ नहीं जाने वाला, बट जो एग्ज़ाम होगा गाइस सबका ऐसा एग्ज़ाम जाएगा कि आप एग्ज़ाम के बाद थैंक यू बोलोगे कि थैंक्स सर आपने जो टिप्स दी हैं। तो चलिए बात करते हैं गाइस हम राइटिंग टास्क फर्स्ट की, तो राइटिंग टास्क फर्स्ट के बारे में बात करें गाइस, तो ओवरऑल जो गाइस राइटिंग पिछली बार भी एग्ज़ाम हो रहा है राइटिंग आ रही है ओवरऑल तो ईजी आ रही है, बट गाइस ज़्यादा मैं बात करूँ कि राइटिंग में आता क्या है, तो टास्क फर्स्ट में गाइस पूरे 12 मंथ में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं 95% तो रेट चेंज ही आता है, ओवरऑल रेट चेंज आता है, बहुत ही ईजी होता है गाइस। तो आपको जब एग्ज़ाम में सबसे पहले टिप्स दूँ कि आपको राइटिंग चाहे आपको टास्क फर्स्ट कितना भी ईजी क्यों ना लगे, आपको हमेशा राइटिंग टास्क टू ही करना है गाइस। तो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको तो पता होगा क्यों करना चाहिए, कई बार टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती है, टास्क टू ज़्यादा बैंड स्कोर का होता है, तो कई बार टास्क फर्स्ट पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं उस वजह से गाइस टास्क टू में अच्छे बैंड नहीं मिल पाते और राइटिंग अच्छा स्कोर नहीं आ पाता, 5.5 में रह जाते, ओके। ये पहली टिप्स है, आपको ज़्यादा ध्यान किस पर देना है, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग टास्क टू पर, ओके, क्योंकि एक बार टास्क ऐसा होता रहता है कि इसके आपको आइडियाज़ नहीं आते, ओके कुछ हार्ड हो जाता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिल सकता है अच्छे से गाइस। और अगर मैं टिप्स की बात करूँ राइटिंग की, तो आपको सिंपल क्या करना गाइस, टाइम बांट ही लीजिए कि आपको नियरली 40 मिनट 60 मिनट्स में से गाइस 40 मिनट तो आपको टास्क टू को ही देने हैं अच्छे से करने के लिए, फिर ही आपका अच्छा स्कोर आ पाएगा इस, ओके। तो टास्क फर्स्ट हो गया गाइस क्लियर, किसी को कुछ भी पूछना हो राइटिंग के बारे में, स्पीकिंग के बारे में, लिसनिंग के बारे में, मेरे को बोल सकते हैं गाइस के कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, बट वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा गाइस जिनका एग्ज़ाम है 12th अक्टूबर को। चलिए आगे बात करते हैं, तो गाइस टास्क टू की बात करूँ गाइस मैं ओवरऑल,
तो गाइस टास्क टू जो है वो गाइस पिछली बार भी एग्ज़ाम हुए हैं, टास्क टू आ रहा है गाइस। तीन टॉपिक आ रहे हैं, पहले पहले बता, इन्वायरमेंट एजुकेशन इसके थोड़े इग्नोर कीजिए गाइस, थोड़ा वाटर ड्रॉप कर दिया मेरे छोटे कज़न भाई ने, तो ये ऐसे ही पढ़ी है ओके, तो इसका कुछ मत करना, इसको इग्नोर कीजिएगा। जो टॉपिक है वो आप दे सकते हैं, हेल्थ चिल्ड्रन गाइस, चिल्ड्रन पर गाइस टॉपिक आ सकता है। ईयरफोन कहाँ पर आ रहे हैं, तो गाइस चिल्ड्रन पर हेल्थ टॉपिक हो सकता है, एजुकेशन पर हो सकता है और इन्वायरमेंट पर हो सकता है। गैस तीन ही टॉपिक आप अच्छे से उनको प्रिपेयर कीजिएगा, उनके वो कैपिटल रीड कर लिया, ऐसा नहीं कह रहा हूँ 100% ट्रू ही आने वाली है, जे ही आपको आएंगे, बट आपको अपने अच्छे से अच्छे वो कैपिटल इनके तैयार करने को, ज़्यादातर जो आइडियाज़ होते हैं वो इनसे रिलेटेड ही होते हैं ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।